अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद फिरदौस अली आज जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो है नल्ली निहारी। तो आइए हम बनाते हैं बड़े आसान तरीके से नल्ली निहारी। ये बनाने के लिए यहाँ मैंने कुकर रखा है गैस पे, इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है। अब मैं यहाँ गर्म हो गया है ये, अब यहाँ मैं खड़े गर्म मसाले डाल रही हूँ। यहाँ मैंने दो एक हरी इलायची ली है, दालचीनी ली है, तेज़पत्ता लिया है, करण फूल लिया है, बड़ी इलायची ली है, लौंग और काली मिर्ची। इसको भी मैं अच्छी तरह से गर्म हो जाने दूंगी। अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने दो प्याज काट के रखी, वो एक कर लूँगी। प्याज को मैं अच्छी तरह से ब्राउन हो जाने दूंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं नल्ली निहारी बनाना बता रही हूँ आपको। हम फ्राई को अच्छी तरह से प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब मैं यहाँ डालूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे प्याज में और थोड़ी देर भुनाने देंगे अदरक लहसुन के पेस्ट। नल्ली निहारी के गोश्त को अच्छी तरह से धोकर रखा है। अब इसको मैं कुकर में डाल दूंगी। निहारी के गोश्त को कुकर में डाल दिया है और इसको हम अदरक लहसुन में और प्याज में अच्छी तरह से थोड़ी देर भुनाने देंगे। 5 मिनट इसको अच्छी तरह से अदरक लहसुन में भुनाते हुए हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च आप जितनी तेज़ खाते हैं आप उस हिसाब से डालिए। यहाँ मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून, और नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे मसालों को। मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं और थोड़ा सा पानी भी डाला है इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक भुनाने देंगे मसालों को। निहारी में डालने के लिए जो स्पेशल मसाला है वो मैंने तैयार करने के लिए रखा है 1 टीस्पून धनिया खड़ा, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, शाहज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री, बड़ी इलायची, हरी इलायची, जायफल, काली मिर्च और 4-5 लौंग। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसमें ये मसाले की टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है नल्ली निहारी में, और लखनऊ में ये मसाला ज़रूर डरता है नल्ली निहारी में। इन सबको हम अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। मसाले मैंने इस तरह से बारीक पीस लिए हैं। अब यहाँ पर मैं देखिए हमारी निहारी भी अच्छी तरह से बन रही है। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून इतना मसाला इसमें डाल दूँगी। और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। निहारी का मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुना गया है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर मैं 2 या 2.5 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि इसमें 2-3 सीटी आ जाए और ये अच्छी तरह से गल जाए। निहारी जितनी अच्छी पर मैं पानी डाल दूँगी 2 से 2.5 गिलास, और इसको अच्छी तरह से गलने के लिए रख दूँगी। इसमें हम 2-3 सीटी ले लेंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। पानी जितने अच्छे गलते हैं उतना अच्छा मसा आता है मसाले में। यहाँ मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं यहाँ कुकर पैक करके इसको 3-1 सीटी ले लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये जितने अच्छे गलेंगे इसमें उतना लुबाब आएगा, उतना मज़ेदार बनेंगे। मैंने 3 से 4 सीटी ली है और ये अच्छी तरह से पाया गल चुका है। देखिए अब आइए हम यह गैस बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारी नल्ली निहारी बन के तैयार है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो नल्ली निहारी की तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।